ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵਾਦਾ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਕੋਰਟ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਔਰ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਤੇ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਪਨੇ ਉਸ ਸੇ ਕਿਉਂ ਬਾਤ ਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਹਰ ਅਫਸਰ ਸੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਆ ਹੈ कौन सी आपकी कानूनी किताब है जिसमें ममनूयत है कि एक सिटीजन पाकिस्तान का किसी से बात नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ और मैं ये बता दूँ ये जितना मर्जी कर ले ये जो मर्जी कर ले हम सारे हाजिर हैं। ये कहते हैं ना खान साहब को इन्होंने अरेस्ट करना और हम सारे अरेस्ट होने के लिए हाजिर हैं। आप कितनों को अरेस्ट करोगे कितनों को जेल में डालोगे एक दफ़ा तसल्ली इससे भी कर लो ना हम डरते हैं ना हम घबराते हैं सवाए अल्लाह ताला की ज़ात से हमें किसी चीज़ से डर नहीं है। तो इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि अल्लाह ताला खैर रखे इंशाल्लाह इलेक्शन इनको करवाने भी इनको इलेक्शन पे तकलीफ इसलिए हो रही है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं और इनको डर है कि कोर्ट ने इलेक्शन का फेवर क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करना है आइन का तकाजा है कि आप 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करें। उस इलेक्शन से डरे हुए घबराए हुए भागते फिर रहे हैं ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं भुखलाए हुए हैं कर ले हम खड़े हैं। वो कहते हैं जी बकरे की माँ कद तक खैर मनाएगी वो आज इलेक्शन ना हुई कदी तो होएगी ना जीतेगा इमरान खान ही और कोई नहीं जीतेगा। हाँ जी कोई सवाल जी।